श्रमदान से किया जा रहा है पथ का निर्माण। बच्चे बूढ़े व महिलाएं कर रही है सड़क का निर्माण। नेता व मुखिया विफल। दारू प्रखंड के मेड़कुरी पंचायत के घाघरा में ग्रामीणों के द्वारा पथ निर्माण किया जा रहा है। बताते चले कि ग्राम घाघरा के ग्रामीणों के द्वारा जर्जर सड़क होने के कारण पैदल आना जाना मुश्किल होने लगा, जिसके कारण संपूर्ण घाघरा के ग्रामीण महिला पुरुष व बच्चे ने इस कोरोना काल में श्रमदान कर अपनी मेहनत मजदूरी कर अमली से घाघरा होते हुए जमुआ का जर्जर पथ ग्रामीणों के द्वारा बनाया जा रहा है। यह पथ बनाने के लिए कई नेता व मुखिया विफल साबित हुए। इस संबंध में भाकपा माले के जिला कमेटी मेंबर रोहित प्रसाद ने बताया कि यह रोड पगडंडी की तरह ही मौजूद है। इस संबंध में श्री प्रसाद ने यह भी कई बार लिखित आवेदन भी दिया था, जिसकी सुध लेने आज तक घाघरा के सड़कों पर नहीं पहुंचे। यह सब देखते हुए घाघरा के ग्रामीण वासी ने सड़क बनाने का ठान लिया। यह रोड न कोई योजना न कोई ठेकेदार से पथ का काम किया जा रहा है। यह पूर्व मुखिया प्रतिनिधि सुबोध मेहता ने बताया कि सड़क तो बन जाता, लेकिन वर्तमान मुखिया रहते समय यह सड़क बनाया ही नहीं, जहां बाध्य होकर ग्रामीण खुद मेहनत मजदूरी कर निर्माण स्वयं कर रहे हैं। मौके पर मौजूद रोहित प्रसाद मेहता, हरिहर प्रसाद मेहता, सुबोध प्रसाद मेहता, बैजनाथ यादव, तपेश्वर मेहता सहित ग्रामीण मौजूद थे। खबर 365 न्यूज के लिए दारू प्रखंड से सुमन सिन्हा की रिपोर्ट। हम लोगों ने बाबूलाल मरांडी जब यहाँ भाजपा से हट करके आए, चुनाव लड़े, और उस समय निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उस समय भी उनको आवेदन दिए तो बोले कि हाँ बनेगा वो, चल दो टर्म में सांसद रहे, नहीं बना। उसके बाद में अभी रविंदर राय बने, उनको भी हम लोग दिए, और रविंदर राय को दिए तो बोले प्राथमिकता के आधार पर बनेगा, वो प्राथमिकता उनका आज तक नहीं आया। और फिर जैसे कि अब हम लोग मैडम को दिए हैं, अन्नपूर्णा देवी को, अब ये भी बोले हैं आश्वासन दिए हैं, लेकिन देखे कि कहीं से कुछ नहीं है। आवागमन में पूरा मैंने पैदल गुजरना काफ़ी मुश्किल होने लगा, तब हम लोग जाकर के आज श्रमदान से ग्रामीणों को सहयोग दे करके और अपन लोग हम लोग रोड बनाने का कार्य कर रहे हैं। ये जो आप लोग यहाँ से रोड बना रहे हो, कहाँ तक ये रोड को जोड़ती है? ये सीधा आपको झुमरा हम लोग को मुख्य पथ हो गया, ये यहाँ से हम लोग सीधा बरकट्ठा हरी रोड होते हुए एकदम जा सकते हैं ये रोड से, लेकिन रास्ता नहीं होने के कारण इधर से लोग आना वगैरह नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग इधर से 8-10 गांव के लोग इसी रास्ते से गुजरते हैं। तो बहुत सा योजना ऐसा था कि मुखिया फंड से बनाया जाता था, तो क्या वो नहीं बन पाया? नहीं, उनको उनको वो भी नहीं, मुखिया को भी बहुत बार बोला गया, लेकिन मुखिया जी नहीं बनाया इनको, वो सिर्फ अपना गाँव का सड़क बनाने में व्यस्त है। तो क्या उनका ये पंचायत पड़ता है या नहीं? पंचायत एकदम होम पंचायत है, हम लोग बढ़ चढ़ करके उनको भी वोट दिए थे, लेकिन रोड बनाने का कार्य नहीं किए। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज़, साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।